हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमडी फिल में। जो फ्रेश स्टूडेंट है जिन्होंने डिस्टेंस से एडमिशन लिया है किसी भी कोर्स में, जैसे बीए, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम, एमलिब, और जो इंटरमीडिएट जो स्टूडेंट है जिन्होंने पहले किसी कोर्स में एडमिशन ले रखा है डिस्टेंस से, उन सभी के कमेंट आ रहे हैं कि सर, एडमिशन फॉर्म फिलअप करने के बाद एमडीयू में जमा करवाना है या फिर नहीं करवाना। तो इस बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर ज़रूर प्रेस कर ले, जिससे एमडीयू से जुड़ी कोई भी अपडेट हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम पर फॉलो नहीं किया तो वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिए। सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप सीधे ही फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एडमिशन फॉर्म का प्रिंट है। इस प्रिंट के अंदर आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी, आपकी नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, ठीक है दोस्तों, कौन से कोर्स के लिए आपने अप्लाई किया है, 10th के, 12th की, ग्रेजुएशन की, सारी डिटेल इसके अंदर आपको मिल जाएगी। कौन कौन से सब्जेक्ट लिए आपने कोर्स में, कितनी फीस आपने पे की है, ये सारी डिटेल इस प्रिंट के अंदर आपको मिल जाएगी। जैसे ही आप ऑनलाइन मोड में पूरा फॉर्म फिलअप करोगे और उसके बाद प्रिंट निकालोगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस प्रिंट के अंदर मिल जाएगी। और जैसा कि आप सबको पता है, एमडीयू में अब सेमेस्टर स्कीम से एडमिशन होते हैं 2020 के बाद, ठीक है दोस्तों, 2020 के बाद एमडीयू में सेमेस्टर स्कीम से एडमिशन होते हैं। और 2020 के बाद ही एडमिशन फॉर्म सिर्फ आपको ऑनलाइन मोड में भरना होता है, फॉर्म भर के आपको कहीं भी जमा करवाना नहीं होता, ठीक है दोस्तों। जैसे ही आप ये प्रिंट निकालोगे, इस प्रिंट को निकाल कर आपको अपने पास रखना है, कहीं भी ये प्रिंट आपको जमा करवाना नहीं होता, चाहे आप फ्रेश स्टूडेंट हो चाहे इंटरमीडिएट स्टूडेंट हो। अब किसी भी स्टूडेंट को कोई भी एडमिशन डॉक्यूमेंट एमडीयू में जमा करवाना नहीं होता। ये एडमिशन फॉर्म किस काम आएगा दोस्तों, इसमें आपका एडमिशन सेशन पता चलेगा, आपकी स्टूडेंट आईडी आपको पता चलेगी, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर पता चलेगा। ये तीन चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, इन तीनों चीज़ों को आप इसके अंदर से देख सकते हैं। जैसे आपका एडमिट कार्ड आया तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर की जरूरत पड़ेगी, ये सारी डिटेल आपको इस प्रिंट के अंदर मिल जाएगी। इस प्रिंट को निकाल कर आपको अपने पास रखना, कहीं भी आपको जमा नहीं करवाना है। एडमिशन के रिगार्डिंग कोई और डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एडमिशन फ़ीस क्या रहेगी, एडमिशन लास्ट डेट क्या है, एडमिशन के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, इन सभी के ऊपर मैंने पहले से वीडियो बना रखी है। सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप सीधे वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।